الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين नबीन महमद व الطيبين الطاهرين رمضان मुबारक सबसे पहले तो मैं आप सबको रम़ान की मुबारकबाद पेश करता हूं अल्लाह ताला इस महीने को हमारे लिए आपके लिए सारी उम्मत के लिए मुबारक साबित फरमाए था, और हमें इससे पूरा फ़ायदा उठाने की तोफ़ीकदा फरमाए रमज़ान बड़ा मुबारक महीना है बड़ी अज़मत वाला महीना है अल्लाह की रहमतों का नजूर होता है इस महीने में रहमतों के दरवाज़े खुल जाते हैं जन्नतों के दरवाज़े खुल जाते हैं दो जख़ के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं शयातिन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं ये निकियों का महीना है ये नेकियों की का मौसम में बहार है अल्लाह के मोमिन बंदे ईमान वाले बंदे जब रमज़ान आता है तो उनके दिलों में ख़ुशियों की लहर दौड़ जाती है बहुत बरकत का महीना है रसूल फरमाते अक्रमात अता अज़ीम ये वो महीना है जिसमें हर रात अल्लाह का एक फ़रिश्ता के मुनादी करता है दुनिया वालों के लिए वो कहता है या बाग़ खैर अकबिल या बागी शर अक्सर वाल फिक्रैला फ़रिश्ता मुनादी करता है ओ नेकियों के मुतलाशी के ख्वाहिशमंद आगे आ जाओ और ओ बुराइयों के चाहने वाले रुक जाओ अपनी हरकतों से बाज आ जाओ हम अल्लाह का शुक्र गुज़ार हैं कि उसने हमें फिर अपनी ज़िंदगी में ये मौका दिया कि हम रमज़ान को देखें और रमजान से फ़ायदा उठाएं अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ख़ास तौर से इस साल हमें शुक्र और ज़्यादा भी अदा करना चाहिए क्योंकि गुज्त साल रमज़ान के महीने में हमारे वायरस की वजह से ज़िंदगी मत्ल थी बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई थी मसाजिद बंद कर दी गई थी न जमात न जुमा रमज़ान के, के इज्तम गैदरिंग्स तरावीह की नमाज़ें क़ुरान की तिलावत ये सारी आवाज़ें जो आती थी मस्जिदों में जो इज्तम होते थे सब रुक गए थे लॉकडाउन एवरीवेयर हम लोग ने नमाज़ें पढ़ी अलहमदिल्ला तरावी पढ़ी अपने घरों में रोज़े रखे लेकिन एक वीरानी सी महसूस होती थी एक अजीब सा होता था है, दिल के अंदर कि काश हम मस्जिद में होते काश हम और लोगों के साथ होते तो अल्लाह का शुक्र है कि ये, ये 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 सिचुएशन पूरे साल रही अल्लाह का शुक्र है कि अब हालात बेहतर हो रहे हैं वायरस मौजूद है और हमें एहतियात करनी चाहिए पूरी लेकिन फिर भी हालात बेहतर हैं और मसाजिद खुल गई हैं और इन नमाजें होंगी तरावी होगी अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हालात को बेहतर से बेहतर करे और बिल्कुल नॉर्मल कर दे देशा अल्लाह ताली कुरान करीम में फरमाता है या लजीना अमनु कुतब आल कम सयाम कमा कुतब आल मिन कबलिकुम कबिल कम लम तत्तकून या ईमान वालों रोज़ा तुम्हारे ऊपर फ़र्ज किया गया है जिस तरह के फ़र्ज़ किया गया था उन लोगों पर जो तुमसे पहले गुजरे हैं ताकि तुम तकवा सीख सको तो ये रोज़ा बहुत ज़माने से चला रहा है सदियों से हज़ारों सालों से तमाम अम्बिया अल्लाह ताला के अपनी उम्मतों को तल्न करते थे बताते थे कि वो रोज़ा रखें और किसी न किसी तरीक़े का रोज़ा लोगों में था लेकिन उम्मतें भूल गईं उसको यहाँ तक कि अल्लाह के आखिरी रसूल महमद् आए और आपने फिर इस किया इस रिवायत का रोज़ा रखने का अपने इजरा किया और तोज्जो तो दिलाई के ईमान वाले रोज़ा रखें मैं ये नहीं कहता कि और लोगों के यहाँ रोज़ा नहीं है है रोज़ा लेकिन इतनी पाबंदी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान रोज़ा रखते हैं और उसी तरह रखते हैं जिस तरह, तरह रसूल अकरम ने रोज़ा रखा और इसका अहतमाम भी करना चाहिए कि हम रोज़े को उसी तरह रखें जिस तरह के रसूल अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत की कुरान और सुन्नत के मुताबिक रोज़ा रखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में बड़ी तादाद है जो कि रोज़ा रखती है साल भर में आप जब भी रोज़ा रखें इन शवाब तो मिलेगा उसका फ़ायदा होगा रोज़ा जो है वो तकवा का इस्कूल है रोज़ा सिखाता है इंसान को तकवा और तकवा यह है कि इंसान के अंदर परहेजगारी हो नेकियों की, के तरफ रगबत हो और बुराइयों से बचने की फ़िक्र हो। हजरत होज़रत अब्दुल्लाबिन मसूद रजल्ला तो फरमाते थे कि तकवा यह है कि आप अल्लाह को भूले नहीं अन युस्करसा अल्ला अल्लाह अल्लाह को याद रखा जाए और उसको भूला न जाए वो अन युश्र अल्लाह फला वला युक्फर और अल्लाह का शक्र अदा किया जाए और उसकी ना शिक्री ना की जाए एंड देन वन जोता अल्लाह फला यौसा और अल्लाह की इताद की जाए और उसकी नाफरमानी ना की जाए तो ये तीन चीज़ें हैं ख़ास तौर से अल्लाह का ज़िक्र अल्लाह का शुक्र और अल्लाह की इताद ये रोज़ा ख़ास तौर से इसकी तरबियत करता है पूरा दीन इस्लाम तकवा की तरफ है के लिए है अल्लाह ताला ने पूरी किताब ना हुदल की हुद मीम अलीफिला किताब ला लफ़ी हजलमतीन अल्लाह की पूरी किताब हिदायत देने वाली है उन लोगों की जो कि तलाश करते हैं जो तकवा के राह पर चलना चाहते हैं अल्लाह उनके लिए हिदायत है उस किताब में तो पूरा इस्लाम तकवा का इस्लाम है लेकिन ख़ास तौर से रोज़े वह तकवा की तकी करते हैं तकवा की तरबियत करते हैं और तकवा की तरफ उभारते हैं और उस खाते हैं मगर इस बात को जहन में रखना चाहिए कि रोज़ा इसी का नाम नहीं है कि आदमी खाने पीने से बचे सुबह से लेकर शाम तक और चंद और ख़्वाहत हैं जो कि हलाल हैं लेकिन उनसे रोज़ा के दौरान बचे सिर्फ इसी का नाम नहीं है बल्कि रोज़ा इसका नाम है कि आदमी हर बुराई से बचे बुरे अल्फाज बुरे आमाल उनसे बचे इसी रसोकम फरमाते थे मल्लमदाकदूर वामबी वल सल्ला हाजत शराबा जो बुरे अल्फाज और बुरे आमा से नहीं बचता उसको उनको नहीं छोड़ता अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं है कि वह अपना खाना पीना छोड़ दें यही अल्लाह ये नहीं चाहता कि बस आप खाना पीना छोड़ दें अल्लाह जिसलिए रोज़ा को फ़र्ज़ किया है जिसलिए लिए रोज़े को बताया है वो ये है कि लोग इसलिए रोज़ा रखें कि उनकी तरबियत हो उनकी अखलाकी तरबियत हो उनकी रूहानी तरबियत हो उनकी समाजी तरबियत हो एक दूसरे के साथ मिल कर रहें एक दूसरे के अख्लाक उनके अच्छे होंगे लोग उसे झगड़ा ना करें सच्चाई और दीनदारी और दारी उनके अंदर हो ये सारी चीज़ें हैं जो रोज़ा सिखाता है तो ये है रोज़े का मकसद असली मकसद और हमें इस मकसद को सामने रखते हुए रोज़ा रखना चाहिए रोज़ा जैसा मैंने कहा कि आप जब भी रखें जिन दिनों में भी रोज़ा रखने की इजाजत है आप रखें इन सवाब मिलेगा लेकिन रमजान के रोज़े ख़ास तौर से अहमियत रखते हैं रमजान के रोज़ का बड़ा सवाब है और उसका बड़ा अजर है और उसके बड़े फ़ायदे हैं पहली बात तो यह है कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है शहर रमदान लज़ी उनफी क़ुरान हदनासीबै हुदा वल फुरकान रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कि अल्लाह यानी कुरान नाजिल किया गया और कुरान क्या है इंसानियत के लिए हिदायत की किताब है इस किताब में निशानियां हैं वाज़ निशानियां हैं हिदायत की और ये किताब सिखाती है तरीक़ा हक़ और बादल में फ़र्क़ करने का करफ़ुर तो हज़लनास व अल-हुदा वालफरक़ान अल्लाह ताला ने इस महीने को का इंतख किया अपनी पहली वही नादिल करने के लिए, लिए सलाम आए रसूल रसुलकरम के पास रमज़ान के महीने में वही लेकर और आपको बताया कि अकराब्म रब्ब खल ख़लस अमिन इकराब रबरम्लमकमसानलम आलम और फिर एक और बात जहन में रखनी चाहिए कि रोज़ा और वही इलाही के अंदर बड़ा रब्त है यानी हम लोग जो रोज़ा रखते हैं क़ुरान करीम के नजूल की याद में इसलिए कि रमज़ान के महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ लिहाजा हम रोज़ा रखते हैं रमज़ान में उसकी वजह यह है कि कुरान और, और रमज़ान दोनों में बड़ा रब्त है रोज़े और वही इलाही में बड़ा रब्त है मूषा आलम रोज़े की हालत में थे जब उनके ऊपर कोहसिना पर तौरात नाजिल की गई ऐसी आलम रोज़े की हालत में थे जब दरियाए उर्दन के पास के किनारे पर अल्लाह ताला ने उन पर बही भेजी इसी तरीक़े से रसूल सल्लम रोज़े की हालत में गुजारते थे कोहे हेरा पर जब अल्लाह का फरिश्ता उनके पास आया जबीम आए और उनको वही दी तो और भी बहुत सारे अम्बिया यानी वही अलाही का नज़ूल हुआ है इस हालत में कि अम्बिया इक्राम रोज़ा रखे हुए थे इसलिए फरमाया कि जब ये इस महीने में तुम रोज़ा रखो शहरमान लजीअन् जफी कुरान हदनासीबै नातमिनहुदाफुरक़ान पमन शाहिद अमिन कम शाहरफल यसुम रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नज़िल किया गया और ये किताब है हिदायत की इंसानियत के लिए इसमें निशानियाँ हैं वाद निशानियाँ हैं हिदायत की और ये किताब सिखाती है हक वातिल में फ़र्क करना तो तुम में से जो भी सफ़र पर नहीं है यानी मौजूद है अपने घर पर पमन शाहद अमिन कुमर शाह और वो देखे इस महीने को तो वो रोज़ा रखे इसमें तो रमज़ान के रोज़े फ़र्द हैं अल्लाह ताला ने उनको फ़र्द किया है और हर मुसलमान को चाहिए कि वो रोज़ा रखे आख़िल बालग के ऊपर रोज़ा फ़र्द है इला ये कि वो मरीज़ हो या सफ़र पर हो पुमिका नबीन को मरीज है और इ्दतम में नहीं आम खर जो भी बीमार है या सफ़र पर है वो कज़ा करे सम... और किसी वक्त पर मगर रमज़ान के महीने में बगैर किसी उज़्र के रोज़ा छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है आदमी कदा कर सकता है मगर उसका जो मुकम्मल तलाफी नहीं हो सकती जो मुकम्मल सवाब है उसका अज्र है उसकी जो अजमत है उसको आदमी हासिल नहीं कर सकता अगर उसने बग़ैर किसी उज्र के रमज़ान के रोज़े को छोड़ दिया तो बहुत एहतियात करें इस सिलसिले में पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम रोज़ा रखें और दिल की रगवत के साथ रखें खुश होकर रखें उसको अपने ऊपर बार नहीं महसूस करें तकलीफ़ महसूस ना करें बल्कि ये देखें कहें कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, बल्कि सुबह को जब आप नीयत करें तो ये कहें अल्लामी नवैत बसोमल्यूम मैं नीयत करता हूँ आज के रोज़े की अल्लाह मैसर हली व तकबल हमी वो अल्लाह में इसको आसान कर दे मेरे लिए और कबूल फर्मा मुझसे तो अस नीयत के साथ अखलास के साथ अल्लाह की खातिर आप रोज़ा रखें तो इन फायदा होगा फिर ये रमज़ान में दिन में रोज़ा रखे जाएँ और रात में इबादत की जाए तरावी नमाज सुन्नत है नफल है बाद के नजदी सुन्नत है बाद के नज़दिक नफल है तरावी नमाज की नमाज़ का अहतमाम इहति, किया जाए पाँचों नमाजें वक्त से पढ़ी जाएँ उसके अलावा अल्लाह का जिक्र किया जाए इस्तवार किया जाए तौबा की जाए दिन भर जब भी मौक़ा मिले आप जिक्र करते रहें इस्तार करते रहें और तलावत कुरान करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना मुमकिन हो तो कुरान की तलावत करना करें अगर आप एक मरतबा पूरा कुरान शरीफ़ ख़त्म कर सकते हैं तो करें ज़्यादा कर सकते हैं ज़्यादा करें लेकिन कोशिश करें कि हर रोज़ अपने आप अपने जाती तौर पर तिलावत कुरान करें और उसके अलावा शाम को ईशा की नमाज़ के बाद तरावी के अंदर शिरकत करें चाहे आठ रकत पढ़ें या बीस रकत पढ़ें लेकिन तरावी में शिरकत ज़रूर करें और इसकी पूरी कोशिश करें कि किसी गुनाह में मुलस न हों गुनाहों से बचें झूठ बोलने से बचें झगड़ों से बचें आपस में ख़ानदान फैमिली में जो झगड़े हैं उनको ख़त्म करें उस वक्त लोगों को माफ़ करें तो ये तकवा का महीना है नेकियों का महीना है इन उससे पूरा फ़ायदा उठाएँ उसके अलावा ये महीना जो है सदक़त और खैरत का भी महीना है आप जब रोज़ा रखते हैं और भूख और प्यास महसूस करते हैं तो आप इसका भी एहसास करें कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता जिनके पास वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं जिससे कि अपनी ज़रूरिया पूरी कर सकें तो उसका नतीजा ये होना चाहिए कि आदमी के अंदर हमदर्दी पैदा हो इसका एहसास हो कि दूसरे दूसरे, दूसरे ज़रूरतमंद लोग हैं और मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए और इसी का नाम है सदक़ा इसी का नाम है चैरिटेबल एटीट्यूड तो ये एहसास जज्बा कि कैसे लोगों को दूसरों के दूसरे की मदद की जाए दूसरों की हेल्प की जाए तो इसमें दो तरीक़े हैं एक है ज़कात और एक है सदकात, ज़कात फ़र्ज है सदकात नफल हैं हर शख़्स जिसके पास निसाब है उसको चाहिए कि वो ज़कात दे, और बहुत सारे लोग रमज़ान में ज़क़़़त निकालते हैं अपनी क्योंकि रमज़ान में हर नेकी का अजय सत्तर मतलब ज़्यादा होता है तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा नेकी का ने हासिल हो लिजा ज़ुआत जाद रमज़ान में निकाल देते हैं और दूसरे सदक़ात भी करते हैं तो सही तरीके से ज़कवात को कैलकुलेट किया जाए और ज़कवा़त को कोशिश करें कि उन अफराद या उन इधारों को दी जाए जो कि मुस्तक हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं उनको दी जाए वो वज़त और इसके अलावा सदक़त ज़्यादा से ज़्यादा ज़क्रत तो सिर्फ दो ढाई परसेंट है टू पॉइंट फाइव परसेंट लेकिन उसके स्यादा ज़्यादा भी दी जाए और सदाक़ दी जाए, अल्लाह ताला अगर आपको दिया है तो आप दें ज़्यादा चैरिटी करें और इन सवाब मिलेगा ताला तरमाए माना का साम सद कोई माल कम नहीं होता सदका करने से बल्कि माल में बरकत होती है जान में बरकत होती है आफियत पे और सेहत में, में बरकत होती है सो सदक़ से बरकत होती है इंसान की ज़िंदगी में बरकत होती है उसके माल में बरकत होती है माँ माल में सदक़ा आपने फरमाया मैं कसम खाता हूँ इस पर और रसोर रकम को कसम खाने की जरूरत नहीं है आप सच्चे थे लेकिन उसको ताकीद करने के लिए आपने फरमाया कि मैं इसकी कसम खाता हूँ माँ नकसम आलमिन सदक़ा कोई मनी कोई पैसा कोई दौलत कम नहीं होगी अगर सदका किया जाए तो सदकात ख़ैरा ज़ात ये दें और उसके साथ साथ दुआएं करते रहें नेकियों के में इजाफ़ा करें ज़िक्र में इजाफा करें और बुराइयों से बचें बुराइयों से अपने आप को महफूज रखें और यही तलकीन करते रहें अपने आप अपने खानदान वालों को अपनी फैमिली को तो मैं अल्लाह ताला से तस्बदुआ हूँ कि हमारे रोजे क़बूल फरमाए हमें नेकियों की तोफ़ी अतः फरमाए और जो भी मुसीबतें हैं बलाएँ हैं वबाएँ हैं अल्लाह ताला उनको दूर कर दे हम सब से हमारी हिफाजत फरमा हमारे बच्चों की हिफाजत सुनमा हमारी फैमिली की खानदान वालों की हफाजत सुनमा और इंसानियत को सही रास्ते पर लगा दे हर जगह पर कशमकश है हर जगह पर बुराइयाँ हैं हर जगह पर झगड़े हैं लड़ाइयाँ हैं अल्लाह ताला इनको दूर करे अमन अमान की फ़िज़ा पैदा हो सुकून की फ़िजा पैदा हो लोगों को इस बात का एहसास हो कि इंसान इंसानों के साथ इंसानी तरीक़े से रहें एक दूसरे का ख्याल रखें अदल इंसाफ़ हो अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहें आप इन इस महीने से की बरकतों से बहुत सारी बड़ाइयाँ दूर होंगी अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين